गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एट होम। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहले तो प्लानिंग वर्ड का क्या मतलब होता है? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो प्लानिंग का यूजुअली हम लोग क्या मतलब जानते हैं कि कोई भी चीज को करने के पहले हम एक प्लान बनाते हैं। तो यहाँ यदि हम लोग को रिसोर्स को यूज करना है और जुडिशियसली यूज करना है, मतलब सोच समझ के यूज करना है रिसोर्स को, तो उसके पहले भी एक प्लान बनाया जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम रिसोर्स को जुडिशियसली यूज कर सकें, उसको बुद्धिमत्ता पूर्वक यूज कर सके। इट हैज इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो रिसोर्स प्लानिंग का इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ही उपयोगिता है। क्यों? विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं, इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं, जबकि बहुत सारे क्षेत्रों में ये रिसोर्सेज की कमी है। इस कारण से यदि हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो यह इंडिया के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज। तो ये मैंने आपको बताया कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पर कुछ रिसोर्स बहुत ज़्यादा बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर वे रिसोर्सेज बहुत कम पाए जाते हैं। इस कारण से रिसोर्स प्लानिंग का बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पर ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ ये रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, इसलिए इन रिसोर्सेज का प्लानिंग करना बहुत ही आवश्यक है। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशियंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि कई कई रीजन है जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई ऐसे स्थान है जहाँ पर इनका बहुत शॉर्टेज है। तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा, रिसोर्स प्लानिंग किया जाएगा और जहां पर इन रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी है, वहां से इन रिसोर्सेज को कहां पहुंचाया जाता है, जहां पर इनका शॉर्टेज है, मतलब जहां पर इनका कमी है। या फिर रिसोर्स प्लानिंग इस प्रकार से किया जाएगा ताकि दोनों रीजन में रिसोर्स की कमी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है जहाँ पर मिनरल और कोल का डिपॉजिट बहुत प्रचुर मात्रा में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं वहाँ वाटर का रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा स्रोत है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बहुत कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी। आप जानते ही हैं कि राजस्थान का जो एरिया है वह रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की संभावना है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन वहाँ पानी की बहुत कमी है। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जबकि हमारा जो देश का एक क्षेत्र है लद्दाख, वह हमारे पूरे देश से अलग है, अलग थलग पड़ा हुआ है, तो वहाँ भी रिसोर्स की आवश्यकता होगी, वहाँ तक भी रिसोर्स को हम लोग को पहुँचाना होगा। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशियंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। तो आप देख सकते हैं लद्दाख के बारे में बताया गया है, यहाँ पर तो बहुत ही कल्चरल हेरिटेज यहाँ पर बहुत रिच है, लेकिन यहाँ पर भी पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा विकास यहाँ नहीं हुआ है, सम वाइटल मिनरल्स की भी यहाँ बहुत ही कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो यही मैंने पहले भी आपको बताया कि यदि रिसोर्स प्लानिंग किया जाएगा तो एक बैलेंस आएगा, वैसे क्षेत्र जहां पर रिसोर्स की कमी है और वैसे क्षेत्र जहां पर रिसोर्स की अधिकता है, तो उन दोनों में एक बैलेंस आएगा। जहां पर कमी है वहां पर, जहां पर अधिकता है वहां से इन रिसोर्सेज को पहुंचाया जा सकता है, या फिर इस प्रकार से कहें कि उनके कमी को वहां पर दूर किया जा सकता है। तो ये कैसे संभव है, रिसोर्स प्लानिंग के जरिए ही संभव है। तो ये आप आंसर में भी अपना लिख सकते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स, जो कि इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिसोर्स प्लानिंग क्या क्या चीज़ को इन्वॉल्व करता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहला क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन, पहचानना होगा कि किस कंट्री के किस रीजन में कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और उनका एक इन्वेंट्री मतलब एक सूची तैयार करना होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, क्या करना है, रिसोर्सेज को पहचानना है और उनका इन्वेंट्री तैयार करना है अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, कंट्री के सारे रीजन में। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक कंट्री है, यदि कोई भी कंट्री है तो उसमें जितने भी रीजन है वहाँ सारे जगह पे एक ही प्रकार के रिसोर्स नहीं पाए जाते हैं। कहीं पे कुछ अलग रिसोर्स पाया जाएगा तो कहीं कुछ दूसरा रिसोर्स पाया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हमको एक बैलेंस करना है और एक प्लानिंग के तहत उसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, तो इसमें और क्या क्या चीज़ इंक्लूड करना होगा आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री के लिए। तो सबसे पहले तो सर्वे का काम करना होगा, छानबीन पूरा करना होगा, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। तो सबसे पहले रिसोर्स कहाँ पर है, कितना है, उसके लिए सर्वे करना होगा, उसका मैपिंग करना होगा कि किस स्थान पर है, उसका क्वालिटी चेक करना होगा, साथ ही साथ क्वांटिटी भी वहाँ पर चेक करना होगा कि वह ज़्यादा है कि कम है, किस क्वालिटी का है। तो ये सारे चीज़ों को एक इन्वेंट्री यहाँ तैयार करना पड़ेगा, सबसे पहला यही है। इसके बाद इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब इन रिसोर्सेज को उपयोग में लाने के लिए एक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें कि खास टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी करना होगा फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तो सिर्फ रिसोर्स के होने से ही उसकी उपयोगिता तो है, लेकिन वहाँ पर उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसको उपयोग में कैसे लाया जाए, उसके लिए आप देख सकते हैं कितनी सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि उसके लिए आपको उसके उस रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए, उसके यूज के डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ यही बात लिखा गया है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए, ताकि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। मतलब कि वहाँ पर जो रिसोर्स के डेवलपमेंट के काम हैं उसको हम लोग अच्छे प्रकार से कर सकें। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स। अब जो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स चल रहे होते हैं उससे उसको समन्वय स्थापित करना, उससे उसको मैच कराना, ताकि सब बैलेंस में हो और सब अच्छे प्रकार से हो सके। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टफ वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं समझा सकूँ। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया ने शुरू से ही रिसोर्स प्लानिंग को अचीव करने के लिए बहुत ही प्रयास किए, और यह प्रयास फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही देखा जा सकता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना क्या होता है, तो पंचवर्षीय योजनाओं में डेवलपमेंट संबंधी कोई भी चीज़ को अचीव करने का एक लक्ष्य रखा जाता था जिसे पूरा किया जाता था। तो कभी कभी यह पूरा होता भी था और कभी कभी पूरा नहीं भी होता था। तो इंडिया ने अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से यह प्रयास किया कि वह रिसोर्स प्लानिंग को अचीव कर सके। पढ़ दें तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।